ओम नमः शिवाय। आज मैं हाजिर हूं आपके पास एक ऐसा अनूठा, एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य लेकर जो कि लाखों वर्षों से इस धरती पर है, लेकिन ज्ञान के अभाव में लोग इसे जान नहीं पा रहे हैं। आज का जो स्त्रोत्र है वो मैंने ऋग्वेद से लिया है, और यकीन मानिए ये एक ऐसी प्रार्थना है जिससे कि धन के देवता, भाग्य के देवता, ये सब आपका पीछा करेंगे। ये छोटी सी प्रार्थना आपको रोज कर देनी है सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले, और मेरा यकीन मानिए ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर आपको सफलता ना मिले। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। अभी कल परसों ही मेरे पास एक फ़ोन आता है जिसमें कि एक जो मेरे बहुत पुराने साधक हैं वो कहते हैं कि गुरुदेव कुछ ऐसा दीजिए कि ये नई साल मेरी सबसे अच्छी बन जाए। तो बहुत रिसर्च किया इसके बाद जाकर ये जो है भाग्य सूक्तम मुझे मिला है। भाग्य सूक्तम भाग्य जगाने के लिए होता है, उन सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भाग्य सूक्तम एक ऐसा सटीक उपाय है जो आप कर सकते हैं। नौकरी में अगर कहीं अड़चन आ रही हो, शादी ना हो रही हो, बच्चे ना हो रहे हो, या फिर जिंदगी की कोई भी परेशानी, अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो भी ये भाग्य सूक्तम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। मैं कहता हूँ जितने मेरे जितने मैंने आपको प्रेयर्स बताई हैं, जितने भी सूक्त हैं, जितने भी प्रार्थनाएं हैं, उन सब में ऊपर है ये, क्योंकि अगर आपके पास भाग्य नहीं होगा तो सब कुछ फीका है। अपने भाग्य को पहले चमकाइए। अब इसमें हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा भाग्य है वो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ रहता है, और जिंदगी की जद्दोजहद में आपको इस भाग्य सूक्तम का बहुत बड़ा योगदान चाहिए होगा, अन्यथा बिना लक के कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि उसकी किस्मत बहुत तेज है, तो क्यों तेज है? क्योंकि जो भाग्य के देवता हैं वो उनके साथ हैं। अगर आपको भी चाहिए कि कुछ ऐसी शक्तियां आपके साथ चले जो कि आपका काम अपने आप बना दे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके काम अपने आप होते जाएं, तो ऐसे में आपको भाग्य सूक्तम सुनना होगा। आपको प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले एक बार भाग्य सूक्तम को सुन लेना है। अगर सुन नहीं सकते तो इसको पढ़ लीजिए, पढ़ नहीं सकते तो एक बार नज़र मार लीजिए, उसका ध्यान कर लीजिए। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो भाग्य के देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसके बाद आपका कोई भी काम कभी भी रुकेगा नहीं। सरकारी नौकरी चाहिए वो आपको मिल जाएगी, जो भी मतलब जितनी परेशानियां हैं जीवन की वो सारी ये दूर कर सकता है, बशर्ते आपको इस भाग्य सूक्तम का पाठ करना होगा। पाठ कीजिए, सुनिए। अगर आप पाठ नहीं कर पाते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो मैं आपको MP3 दूंगा, उसको चलाइए और उसको सुनिए। सुनने से भी आप भाग्य के देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके हित में काम करेगी। आप इसको ये मत देखिए कि ये वो भगवान है या कुछ है, इसको शक्ति समझिए। ये कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपके हित में काम करेंगी। एक बार इसको आजमा कर ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको मैं बचपन से कर रहा हूँ और जो मेरा भाग्य है वो इतना बलवान हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद करके देखिए और आपका जो भाग्य है वो उदय हो जाएगा। आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भाग्य सूक्तम एक सर्वोत्तम औषधि है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो आपको करना कैसे है कि अब नई साल आ गई है, आज 2 तारीख है, तो आप कल से इसको शुरू कर दीजिए। सुबह उठिए और सबसे पहले भाग्य सूक्तम को पढ़िए। अगर पढ़ नहीं पा रहे तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इसमें जाइए, वहाँ पर आपको MP3 मिल जाएगी, PDF मिल जाएगा, उन सबको आप पढ़िए, सुनिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसका जो है आपको पाठ रोज़ करना है, चाहे ध्यान लगाइए। ऐसा करने से भाग्य के देवता आपके साथ हो जाएंगे और जीवन में कोई भी कठिनाई आपका पीछा नहीं करेगी। अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए भाग्य सूक्तम के लिए तो मुझे कॉल कीजिएगा 9982416625 पर।
और मेरी वेबसाइट searchstops.com पर ज़रूर जाएं। वहाँ पर मैं इसके बारे में बहुत विस्तार में लिखकर आपको बताऊँगा कि ये चीज़ क्या है और क्यों हमारे महर्षियों ने इस पर इतना जोर देकर कहा है कि भाग्य सूक्तम आपके भाग्य को जगा सकता है। तो बहुत से क्लाइंटों पर मैंने इसको रिसर्च करने के बाद आपको दे रहा हूँ। जहाँ कोई काम नहीं बनता था मैं उनको ये देता था भाग्य सूक्तम, और यकीन मानिए इसके बाद मुझे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो सोए हुए भाग्य हैं उनको जगाने के लिए भाग्य सूक्तम है। इसको आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठना है आपको और इसको रोज़ सुनिए। धन्यवाद।